दोस्तों, भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप जीत सकता है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जवाब है भारत की बल्लेबाजी। दोस्तों, कौन कौन से बल्लेबाज भारत के हैं जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। दोस्तों, विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी की है और दोस्तों उन्होंने शतकों पर शतक लगाए हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दोस्तों, अगर उनका बल्ला चलता है तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीत पाएगी, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली लंबी पारी खेलते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की है, उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं और दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने जो बल्लेबाजी की है वो दर्शनीय थी और दोस्तों बड़े बड़े छक्के भी लगाए थे। दोस्तों, आपको बता दें, श्रेयस अय्यर का बल्ला अगर चलता है तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीत पाएगी। दोस्तों, बात करें केएल राहुल की। केएल राहुल ने मिडल में आकर टीम को जो बैलेंस दिया है वो बहुत ही शानदार दिया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की है, थोड़े थोड़े रन बनाए हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं टीम के लिए उन्होंने। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केएल राहुल की विकेट कीपिंग की। दोस्तों, केएल राहुल ने विकेट के पीछे भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। दोस्तों, ये ऐसा खिलाड़ी है जो कि टीम को शुरुआत इतनी ज़बरदस्त दे देते हैं जिससे कि टीम आगे जाकर अच्छे रन बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने शुरू में इतनी तेज शुरुआत दी है कि भारतीय टीम का स्कोर 350 से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है भारत के वर्ल्ड कप जीतने के।